आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के आदर्श रामलीला समिति पुरुषोत्तमपुर उर्फ कैथौली के तत्वधान में रामलीला की शुरुआत की गई, जिसका पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और बसपा नेता दुर्गा प्रसाद यादव ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हम सभी को उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने अपने जीवन काल में एक राजा के पुत्र होते हुए भी अपने पिता के कहने को मानकर किस तरह से जंगल में भटके, अपने भाइयों के प्रति कैसा स्नेह रहा, इस सबका आपके जीवन में अगर आप अनुसरण करते तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वहीं इस रामलीला के आयोजक ग्राम प्रधान अरुण कुमार श्रीवास्तव ने आम जनता से अपील किया कि आप सब शांति और सहयोग बनाए रखें और रामलीला का आनंद लें। इस दौरान अध्यक्ष संगम सोनकर, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, महामंत्री बीरू चौरसिया, प्रमोद यादव, दिनेश यादव आदि लोग उपस्थित रहे। भैया क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद यादव। अच्छा, छात्र संघ अध्यक्ष मारतारी। अच्छा, ये आज आपके द्वारा किस तरह का कार्यक्रम किया गया? आज हर साल की भांति कैथोलिक सर्वी पर जो हर साल होता है रामलीला का, मैं उस कार्यक्रम में हर साल आता हूँ और इस साल भी आने का सौभाग्य मुझे मिला। अच्छा, रामलीला के क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? देखिए, रामलीला एक बहुत पहले से एक संस्था बनी आई है, जब से राम जी का जो लीला है वो लगातार हर जगह हर संस्थाओं में होता है, हर कार्यक्रमों में जहाँ पर राम जी की झांकी निकलती है और सभी लोग एक वर्ग जात का नहीं सभी वर्ग के लोग इस रामलीला के आते हैं और अपना सद्भावना व्यतीत करते हैं। अच्छा, रामलीला को लेकर जनता से क्या अपील करेंगे? मुझे बस यही उम्मीद है कि ये जो रामलीला हर साल होती है, हर वर्ष होती है, उसमें कोई ऐसी कोई चीज़ ना हो जिससे अभद्रता व्यतीत हो। मैं चाहूँगा कि समाज में सभी लोगों को एक अच्छा संदेश जाए रामलीला से और सभी लोग एकजुट होकर के समाज के प्रति जागरूकता पैदा करें। ठीक है, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।